हेलो एवरीवन, मैं ज्योति पारिक और आपका हमारे महाविद्यालय श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय के इस यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। लास्ट वीडियो में हम अपने बीए फाइनल के विश्व के प्रादेशिक भूगोल में हम एशिया के बारे में पढ़ रहे थे और हमने दक्षिण एशिया की जो जलवायु है उसके बारे में हमने पढ़ा था। और आज के वीडियो में हम दक्षिण एशिया की प्राकृतिक वनस्पति और मृदा के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। दक्षिण एशिया की प्राकृतिक वनस्पति एवं मृदा, तो देखिए दक्षिण एशिया के अंतर्गत हम देखें तो विभिन्न अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग स्थलाकृति और जलवायु पाई जाती है। उसी आधार पर प्राकृतिक वनस्पति और मृदा भी अलग अलग क्षेत्रों में हमें अलग अलग देखने को मिलती है। ठीक है, तो हम दक्षिण एशिया की जो प्राकृतिक वनस्पति है पहले उसके बारे में बात करते हैं। तो दक्षिण एशिया में चार प्रकार की प्राकृतिक वनस्पति हमें देखने को मिलती है। पहली है उष्णकटिबंधीय, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। दूसरी है उष्णकटिबंधीय मानसूनी वन। उष्णकटिबंधीय मानसूनी वन। तीसरी है मरुस्थलीय वनस्पति, मरुस्थलीय वनस्पति। ठीक है, और चौथी है हमारी पर्वतीय वनस्पति, पर्वतीय वनस्पति। ठीक है, इस प्रकार से दक्षिण एशिया के अंतर्गत हमें विभिन्न प्रकार की चार प्रकार की जो वनस्पति है वो देखने को मिलती है। पहली हमारी है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, दूसरी है उष्णकटिबंधीय मानसूनी वन जिनको हम उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन भी बोल सकते हैं, तीसरी है मरुस्थलीय वनस्पति और चौथी है पर्वतीय वन। ठीक है, इस प्रकार से हम जो हमारे चार प्रकार की वनस्पति है उसके बारे में हम डिटेल से पढ़ते हैं। तो हमारी पहली प्रकार की जो वनस्पति है वो है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। तो देखिए इनके बारे में हम पढ़ते हैं। तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है वो ऐसे क्षेत्र में पाए जाते हैं जहाँ पर वर्षा अधिक होती है, वर्षा अधिक होती है ऐसे क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ पर वर्षा अधिक हो और जहाँ का तापमान भी अधिक हो, तापमान अधिक, वर्षा और तापमान जहाँ का अधिक होता है उन क्षेत्रों में हमें एक उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन देखने को मिलते हैं। ठीक है, और इन वनों की विशेषताएँ होती है कि ये जो वन है ये सघन पाए जाते हैं, इनका जो वितरण होता है वो सघन सघन वन होते हैं और इन चौड़ी पत्ती वाले होते हैं ये वन, चौड़ी इनकी पत्तियाँ होती हैं, इनकी पत्तियाँ होती है वो चौड़ी होती है और इनकी ऊंचाई भी अधिक होती है, ऊंचाई अधिक। ठीक है, ये जो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन इतने सघन होते हैं कि इन वनों के बीच में गैप होता है बहुत कम होता है और इतने सघन होते हैं कि इन वनों में हम जाएँ तो जो सूर्य का जो प्रकाश है, सूर्य की जो किरणें हैं वो भी धरातल तक नहीं पहुँच पाती हैं और इनकी ऊंचाई बहुत अधिक होती है। जैसे ताड़ के वृक्ष बहुत लंबे लंबे होते हैं इस प्रकार से उनकी ऊंचाई भी बहुत अधिक होती है और ये बहुत सघन वन होते हैं, इनका जो दोहन करना बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, फिर हम देखें तो इन वनों में कौन कौन सी वनस्पति पाई जाती है। देखिए इन वनों के अंतर्गत हम देखें तो इनमें महोगनी है, देवदार है, एबोनी, सिंकोना, महोगनी, देवदार, एबोनी, सिंकोना। ठीक है, सिंकोना है। उसके बाद हम देखें तो राजवुड, रबड़, राजवुड और रबड़, इस प्रकार की वनस्पति इन क्षेत्रों में इन वनों में पाई जाती है। कौन कौन से वन है, महोगनी है, एबोनी है, देवदार है, सिंकोना है, रबड़ और राजवुड, ये वन इन वनस्पतियों में देखने को मिलते हैं। ठीक है, इन वनस्पति की जो विशेषता है वह ये है कि ये अधिक वर्षा क्षेत्र में पाए जाते हैं। जैसे जो भूमध्य रेखीय जो प्रदेश है मुख्यतः जहाँ पे मध्य रेखा के जो आसपास के क्षेत्र है जहाँ पे तापमान भी अधिक रहता है और वहाँ वर्षा भी अधिक होती है तो ऐसे क्षेत्र में ये वन पाए जाते हैं। ये वन बहुत सघन होते हैं, इन वनों की पत्तियाँ चौड़ी होती हैं, इनकी ऊँचाई भी अधिक होती है और इन वनों का जो आर्थिक दोहन होता है वो बहुत ही मुश्किल से किया जाता है।
फिर उनके बारे में हम देखें तो इन वनों में मुख्यतः महोगनी, एबोनी, देवदार, सिंकोना, रबड़ और राजवुड के वृक्ष हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, अगला हमारा जो वन है वो है उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन। उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन, इन वनों को हम मानसूनी वन भी कहते हैं क्योंकि इनमें जो इनकी जो पत्तियां हैं उष्णकटिबंधीय मानसूनी वनों को हम पतझड़ वन भी कहते हैं क्योंकि ये पत्तियां वर्ष में एक बार अपनी सारी पत्तियां गिरा देते हैं और वापस इनके फिर नई पत्तियां आने लग जाती है। तो इन वनों का हम विस्तार देखें तो इन वनों का विस्तार जो भारत है, अधिकांश भारत में इन वन ऐसे वन पाए जाते हैं मानसूनी वन, भारत का अधिकांश क्षेत्र, उसके बाद श्रीलंका, श्रीलंका है, भूटान, श्रीलंका और भूटान में भी ये जो वन है पाए जाते हैं। ठीक है, फिर हम देखें इन वनों की विशेषताएं, तो ये जो वन है उष्णकटिबंधीय जो पतझड़ वन है ये सघन कम होते हैं इन वनों के बजाय, सदाबहार वनों की बजाय ये जो वन है ये कम सघन होते हैं, इनकी ऊंचाई भी कम होती है। इन वनों से जो सदाबहार वन है उन वनों की अपेक्षा इन वनों की ऊंचाई भी कम होती है और ये सघन भी कम पाए जाते हैं। और इनका विस्तार हम देखें तो ये भारत, श्रीलंका और भूटान में ये पाए जाते हैं। इनसे पहले हम उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों के विस्तार के बारे में हम देखें तो ऐसे क्षेत्र में पाए जाते हैं जहाँ पर वर्षा का औसत स्तर अधिक होता है, जैसे भारत का जो पश्चिमी तट है, भारत का पश्चिमी तट पर ये वन मिलते हैं केरल के पास, और भारत का ही हम देखें तो असम में भी ये वन पाए जाते हैं, असम, मेघालय और त्रिपुरा में। ठीक है, ये वन पाए जाते हैं और बांग्लादेश और श्रीलंका में भी ये वन पाए जाते हैं, बांग्लादेश और श्रीलंका में भी इन वनों का विस्तार पाया जाता है। ठीक है, तो हमने इन दो वनों के बारे में पढ़ लिया है। हमारा अगले प्रकार का जो वन है वो है मरुस्थलीय वन। मरुस्थलीय वन, देखिए हम इन सबसे पहले हम इन वनों की विशेषताओं के बारे में हम देखें तो ये जो वन है ऐसे क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ पे वर्षा बहुत कम होती है, कम वर्षा वाले क्षेत्रों में जहाँ पे तापमान अधिक हो, कम वर्षा और तापमान अधिक मुख्यतः मरुस्थलों में, जैसे थार का मरुस्थल है इसमें ये वन पाए जाते हैं। और इन वनों में हम देखें तो ये इन वनों की विशेषता होती है कि इनकी जो पत्तियां होती हैं वो कांटेदार होती है, कांटेदार पत्तियां, जड़ें गहरी होती है। ठीक है, ये जो मरुस्थलीय वन है ऐसे क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ पे वर्षा कम होती है और तापमान अधिक होता है, मुख्यतः मरुस्थलों में ही ये वन पाए जाते हैं। इन वनों की सबसे बड़ी विशेषता ये होती है कि इनकी जो पत्तियाँ होती हैं वो कांटेदार होती है, जैसे नागफली है, कैक्टस है। ठीक है, जैसे नागफली और कैक्टस जो कांटेदार होते हैं। ठीक है, और इनकी जो पत्तियाँ कांटेदार होती हैं और लुगदीदार भी होती है साथ में, और इनकी जड़ें होती हैं बहुत गहरी होती हैं। इनमें मुख्यतः नागफनी और कैक्टस पाए जाते हैं और कुछ कुछ कंटीली झाड़ियाँ भी यहाँ देखने को मिलती हैं, कंटीली झाड़ियाँ। इनके अलावा हम बड़े वृक्षों की हम बात करें तो बबूल और खेजड़ी के वृक्ष भी मरुस्थलों में, इस मरुस्थलीय प्रकार की वनस्पति में पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये है हमारी मरुस्थलीय वनस्पति, इसकी प्रमुख विशेषता यह है कि ये कम वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाती है, तापमान अधिक होता है ऐसे क्षेत्रों का, और जहाँ और इनके बारे में आगे हम देखें तो ये मुख्यतः मरुस्थलीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं, जैसे थार का मरुस्थल है, और इनकी पत्तियाँ कांटेदार होती हैं, जड़ें गहरी होती हैं, और जैसे नागफनी और कैक्टस इन वनों में हमें देखने को मिलते हैं। उसके बाद हम देखें हमारी अगले प्रकार की जो वनस्पति है वो है पर्वतीय वनस्पति। अगली है पर्वतीय वनस्पति, तो देखिए यह जो वनस्पति है वो मुख्यतः पर्वतीय क्षेत्र में पाई जाती है, जैसे हिमालय पर्वत है,
हिमालय पर्वत है। अराकान योमा, हम दक्षिण एशिया में हम देखें तो अराकान योमा, उसके बाद हम भारतीय उपमहाद्वीप में भी हम देखें तो भारत के दक्षिण में नीलगिरी की पहाड़ियां हैं। नीलगिरी की पहाड़ियों में जीवन मिलते हैं। और मध्य भारत में की बात हम करें तो मध्य भारत में सतपुड़ा और विंध्याचल की पहाड़ियों में, सतपुड़ा और विंध्याचल की पहाड़ियों में भी जीवन हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, मुख्यतः यह पर्वतीय वनस्पति पर्वतीय भाग में ही पाई जाती है। और यह जो पर्वतीय वनस्पति है इसके बारे में हम देखें तो यह जो पर्वतों में नीचे से लेकर ऊपर तक इनका जो तापमान है, मतलब इनका जो प्रकृति है वो चेंज होती जाती है। पर्वतों की जो निचली घाटियों में हमें वन देखने को मिलते हैं वो मिलते हैं उष्ण वन, उष्णकटिबंधीय वन, ये मिलते हैं हमें पर्वतों की निचली घाटियों में। और हम उससे ऊपर जाते हैं तो हमें मिलते हैं शीतोष्ण वन, शीतोष्णकटिबंधीय। और पर्वतों के बिल्कुल ऊपरी चोटियों में हमें पाए जाते हैं शीतकटिबंधीय वन, मतलब वहाँ पे तो हमें को वनस्पति बिल्कुल भी नहीं पाई जाती है। तो मुख्यतः यहाँ पे जो शीतोष्णकटिबंधीय वन है वो ही मुख्य होते हैं। ठीक है, इनका जो आर्थिक दोहन भी, मतलब इनका इन वनों का दोहन भी किया जा सकता है और ये महत्व, इनका आर्थिक महत्व भी होता है। इन वनों में हम देखें तो इन वनों में पेपल, लारेल, सैतूत, ठीक है, वालनट, पापेल, सैतूत, वालनट, इस प्रकार की वनस्पति इन पर्वतीय वनों में पाई जाती है। उसके बाद हम देखें इन पर्वतीय वनस्पति के अलावा भी दक्षिण एशिया में हम देखें तो यहाँ जहाँ पे हमारा जो गंगा ब्रह्मपुत्र का जो डेल्टाई क्षेत्र है उस डेल्टाई क्षेत्र में एक मैग्रोव प्रकार की वनस्पति भी पाई जाती है। मैग्रोव वनस्पति, और ये मैग्रोव जो वनस्पति है वो कहाँ मिलती है, जहाँ पे हमारा सुंदरवन का डेल्टा है, जहाँ पे गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी मिलकर एक डेल्टा बनाती है बांग्लादेश में। ठीक है, सुंदरवन का डेल्टा, सुंदरवन का डेल्टा, सुंदरवन के डेल्टे के पास हमें मैग्रोव वनस्पति भी देखने को मिलती है। इसकी विशेषता होती है कि ये एक दलदली क्षेत्र में पाई जाती है, दलदली क्षेत्र में यह वनस्पति पाई जाती है। ठीक है, तो ये हो गई हमारी दक्षिण एशिया की वनस्पति। उसके बाद हम दक्षिण एशिया की मृदा के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो देखिए दक्षिण एशिया में मृदा भी अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार की मृदा में देखने को मिलती है। दक्षिण एशिया में हम मुख्य मुख्य मृदा की बात करें तो मुख्य मृदा यहाँ पे है जलोढ़ मृदा, जलोढ़ मृदा। दूसरी है काली मृदा, काली मृदा। तीसरी है लाल मृदा, फिर है लेटेराइट मृदा, लेटेराइट मृदा। फिर है पीली मृदा, उसके बाद है मरुस्थलीय मृदा, मरुस्थलीय मृदा, और पर्वतीय मृदा, पर्वतीय मृदा। ठीक है, तो एशिया महाद्वीप के अंतर्गत दक्षिण एशिया में हम देखें तो दक्षिण एशिया में जलोढ़ मृदा, जो जहाँ पे हमारा जो गंगा ब्रह्मपुत्र, गंगा का जो मैदान है भारत का, भारत में हम देखें तो उत्तरी मैदान है, भारत का जो उत्तरी मैदान है या जो गंगा नदी के द्वारा बनाया गया जो मैदान है उस मैदान में जलोढ़ मृदा का विस्तार है। यह मैदान है जो हिमालय से जो निकलने वाली नदी है उन नदियों के द्वारा, हिमालय से जब नदियाँ निकलती है तो अपने साथ जलोढ़ मृदा बहाकर लाई गई लाती है और यह उत्तर के मैदान में अपना बिछाव कर देती है। ये नदियाँ मिट्टी का बिछाव कर देती है। यह एक सबसे उपजाऊ मैदान है, सबसे एक उपजाऊ मैदान है भारत का, जहाँ पे विभिन्न फसलों की कृषि की जाती है, जैसे गन्ना है, कपास है, गेहूँ है, इत्यादि फसलों की कृषि इस मैदान में की जाती है, इस गंगा के मैदान के अंतर्गत। ठीक, उसके बाद हमारी काली मृदा भी हम देखें तो भारत का जो प्रायद्वीपीय पठार है उस भारत के प्रायद्वीपीय पठार में काली मृदा पाई जाती है। इस काली मृदा का जो निर्माण है वो ज्वालामुखी क्रिया के द्वारा किया गया है। ठीक है, ज्वालामुखी क्रिया के द्वारा इस काली मृदा का निर्माण किया गया है।
और यह जो मृदा है वह कपास की कृषि के लिए बहुत उपयोगी मानी जाती है, कपास की खेती के लिए। और इस मृदा को महाराष्ट्र में रेगुर के नाम से भी जाना जाता है, रेगुर, ठीक है, जो काली कपास की मृदा भी कहा जाता है। यह काली मृदा का निर्माण है जो दक्षिणी, जो हमारा भारत का जो दक्षिणी पर्वतीय पठार है उसके अंतर्गत, जब क्रिटिशियस काल के अंतर्गत जब ज्वालामुखी क्रिया हुई, उस ज्वालामुखी क्रिया के द्वारा इस मिट्टी का निर्माण हुआ है, ठीक है। उसके बाद हम देखें तो लाल मृदा, तो लाल मृदा का विस्तार भी दक्षिण भारत में हमें देखने को मिलता है। उसके बाद कहीं कहीं हमें जो अत्यधिक वर्षा होती है, अत्यधिक आर्द्र प्रदेशों में हमें लेटराइट मृदा का विस्तार भी देखने को मिलता है, आर्द्र क्षेत्रों में जहाँ पे वर्षा अधिक होती है उन क्षेत्रों में भी लेटराइट मृदा का विस्तार है। और फिर पीली मृदा भी यहाँ में देखने को मिलती है, और मरुस्थलीय मृदा भी, जैसे हमारा थार का मरुस्थल है, उस थार के मरुस्थल में यह मृदा पाई जाती है, मरुस्थलीय मृदा। और हमारी ये जो पर्वतीय मृदा है वो भी पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती है, जैसे दक्षिण में हमें भारत में हम देखें तो भारत में हिमालय पर्वत है, अराकान यमुना पर्वत है, और जो नीलगिरी की पहाड़ी है, विंध्याचल सतपुड़ा पर्वत है, इन विभिन्न पर्वत श्रेणियों के अंतर्गत यह पर्वतीय मृदा हमें देखने को मिलती है। इस प्रकार से आज की वीडियो में हमें दक्षिण एशिया की जो वनस्पति है और मृदा है, मुख्य मुख्य मृदा है, उन मृदाओं के बारे में हमने पढ़ लिया है। और नेक्स्ट वीडियो में हम एक नया टॉपिक लेके आएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।